सो गाइज कल वाला रात दा रह गया सी काम जिहड़ा गेट खोलदे खोलदे मैं छड्डता सी ते की सरप्राइज़ है देख लो। ओहो हो 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। मॉर्निंग गाइज सत श्री अकाल कापी टोहाल क्या हाल चाल ठीक हो सारे। आप देखो हम इस है सिसू क्या बर्फ दी पहाड़ियां चादर वे चादर चल चल हूँ उठा यार हूँ टाइम हो रहा संघिया सवेरे सवेरे उठा तो रूम च धुप इन्नी वधिया आ रही सी मैं लेटा रहा उत्थे फिर मैं नहा के फिर लेट गया तो परौंठे परौंठे खाते तो फिर हूँ आप अगे वाली तैयारी खिंचते हैं हूँ डैडी हैं पूरे जी बन ली है थोड़ी जी बनी ज्यादा बनी नहीं गाइज मौसम बहुत वधिया नज़ारेदार जो आप चाहते से मिल गया अपन बट अजे होर मिलेगा वो देख रहे हो वह सिसू लेक है वह देखो उत्थे सिसू लेक है गाइज जब भी आओ ना मनाली मनाली स्टे ना करो इस मौसम च सिसू आके रुको अगर तुम सवेर का नज़ारा लैना चाहते हो सवेरे तुम चाहते हो उठो तो थोड़ा बालकनी थोड़ू ये नज़ारे नज़र आन ना तो इस तुम सिसू ही आके स्टे करो सिसू च कोई भी होटल लै लो तो मतलब जो तुम आने हो ना होटल कोशिश करो कि थोड़ू लैफ्ट हैंड साइड पर मिले क्योंकि लैफ्ट हैंड साइड पर ही थोड़ा सारा ये बालकनी का यह नज़ारा नज़र आएगा यह व्यू नज़र आने थोड़ा। सो गाइस अंदर तो पता लग गया असि इतने ठंड थोड़ा समा पता लग रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पैंदा तरबे वीर नूं टैंपरेचर हैगा दो मैं सोचा ही चार पाँच होने लेकिन दो है आप हम चल रहे इतों की हीटर भी फेल है गड्डी स्टार्ट होगी मैंने बारहों पूछा कि थोड़ी डीजल गड्डी थोड़ी पेट्रोल गड्डी है ना मैं नहीं मेरी डीजल गड्डी है मैं दो तीन बंदे दसा मेरी डीजल गड्डी कहना स्टार्ट नहीं होगी तो मैं मेरी गड्डी है हो जाएगी स्टार्ट इन्नी सोचने की गल नहीं है पहली सेल्फ स्टार्टिंग गड्डी स्टार्ट होगी बाकी चलते हैं हम इतों की बर्फ चारों तरफ है चारों तरफ ही मीनस मतलब तीन तरफ बर्फ है ते एक तरफ नहीं है वो उस पास पर देखना ही नहीं गा बैडलक यह है कि स्नो जी है वह पैनी है नैक्सट वीक फ्राइडे तो नैक्सट वीक फ्राइडे शायद मैं फिर इतने होऊंगा सैटरडे का पक्का ही इतने होऊंगा ना बट फ्राइडे का नहीं पता सैटरडे का पक्का मैं इतने होऊंगा क्यों होऊंगा इधर बाद दसंगा हम तो चलो मेरे नाल बर्फ पूरी बर्फ भरी पी पिछे और गड्डी ब्रेक मारना फिसलती भी है ये नहीं पता क्यों फिसलती लेकिन फिसलती थी गड्डी गड्डी स्लिप कर रही है। अच्छा उत्थे बर्फ हैगी सी और तुहाडी मैं कहवा स्लिप क्यों कर दी रात मैंने लगे कि मेरी गड्डी विच लगती भी किसी चीज नहीं लेकिन वो बर्फ है चलो चलते हैं गाइस हुण तुसीं समय नज़ारा देखो। सो गाइस आपां चल पए जी इत्थों दी हुण माइनर जी एक प्रॉब्लम आ चुकी है पर वो प्रॉब्लम यह है कि गड्डी स्लिप कर चुकी बर्फ से स्लिप करके ठा जाके बची तो कोई डैमेज हो गई चलो कोई नहीं बंपर डैमेज होया अगला जो होया उन्हें कोई छड़ के चलिए अगे अगे का इंजॉय करते हैं। गाइस नजारे देखो जो हो गया उन्हें छड़ दें अपन वो जाके आप बाद चो मूड खराब करा सही करा उ भी लोग पहुंचे हुए हैं मेरे राइट हैंड साइड से बर्फ से लोग इंजॉय कर रहे हैं पूरा जो तो भी आओ देख के आओ कि भी स्नो दे विच थोड़ी गड्डी जरूर स्लिप करेगी ब्लैक आइस रोड पर कई कई गंदी हो जाती फिर ब्लैक हो जाती है पता नहीं लगता उन्हें सुखाई जो नज़ारे देखो मेरे नज़ारे जो होने से हो गए इतों के देख लो कोई नहीं सब तो चलता रहता यार ये सब तो हो गया चलो हो गया हूँ बदल नहीं सकते लेकिन थोनों तो मैं जरूर अगड़ा करूँगा अलर्ट करूँगा कि भी जो भी आओ आइस से मतलब बर्फ से कार ना चला कोशिश करो बर्फ से कार ना जाए थोड़ी ध्यान ना चलाओ चुकन्ने होके जाओ। गाइस पर्ची भी कटा ली पर्ची लग गई 200 रुपए की पता नहीं लुट बचाई है लोगों ने यार की बंदा कहे हूं सामने जो नजारे ने वो देख के बंदा कहता है यार कोई नहीं कट लो
ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬਰਫ਼ ਆ ਗਈ ਬਰਫ਼ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੂੰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੋ ਗਾਇਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਆਤ ਰਹੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਟੋਕਨ ਜਿਹਾ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਭੰਡਾਰੀ ਢਾਬਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੀ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਵਾਹ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਹੈ ਵਾਓ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਲਿਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਸੀ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਜ਼ਾਰ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਬਰਫ਼ ਬਰਫ਼ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਲੈਟਸ ਗੋ ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਆਪ ਖੁਦ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਤੇ ਰੀਲਰ ਹੈ ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮ ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਥੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕੱਲ ਜਬ ਆਪਕੋ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਆਪਕੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਆਈ ਐਮ ਰੀਲੀ ਸੌਰੀ ਓ ਹੇ ਹੇ ਲਿਸਨ 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 ਆ ਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਵਾ ਪੇ ਵੀਡੀਓ
अब वहाँ पे वीडियो बना रहे थे तो आप हट ही नहीं रहे थे। आई स्वेर 15 मिनट्स में वेट करने के बाद बोल रहा हूँ कि मैडम अभी हटेगी अभी हटेगी अभी हटेगी, आप हट ही नहीं रहे। एक्चुअली क्या तो मैं कल आपको सॉरी बोलना चाहता था बट आप मेरे को अंदर खड़े होकर घूर रहे थे, बताओ। नो इशू, मुझे एक्चुअली क्या गुस्सा आता, एक्चुअली क्या नहीं गुस्सा, सॉरी फॉर दैट, गुस्सा आ गया था। अच्छा मैंने सॉरी नहीं बोला उस समय, ये तो आप तो मेरे को उठा के नीचे फेंक देते। मैं ट्रैवलर, हाँ जी ट्रैवलर हूँ, हाँ जी मेरा प्रॉपर ओवरऑल भी रहता है। अच्छा मतलब मैं सेपरेट पर्सन तो सेपरेट ट्रैवल्स पे नहीं बनाती या फूड पे नहीं बनाती, मेरा ओवरऑल दी। ओके बट मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है मेरा ब्लॉगर, बाकी इससे पहले मेरा जो इंस्टा वगैरह ये कंटिन्यू में चलाती रहती हूँ। ओके ओके मुझे क्या यहाँ पर ट्रैवल की प्रॉब्लम जा रही है, जैसे कि हम कैब करके आए हैं उस साथ वाले कैब लेके चले जाएंगे, बट मुझे रुकना है, मुझे शूट करना है, इसे बहुत। तो वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो चलेगा, इसका मतलब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बोले तभी मैं देख रहा हूँ कि अच्छा वहाँ से लेके आप यहाँ पे आ गए हो, आपको पता नहीं होगा यहाँ से 2 किलोमीटर आप आगे जाएंगे ना, मुझे आराम से। मैं वहाँ पे हो आया, मेरे वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पे मुझे अब ये अपना एक भाई मिल गया ड्राइवर, उसने मेरी 2-3 फोटो खींच दी, बस मैं आ गया, रील बना ली। नहीं यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी और बहुत सपोर्ट करते थे आपको, बट पता है मैं मानती हूँ जो वीडियोस हम लोग को चाहिए ना वो लोग ये रिकॉर्ड नहीं कर पाते, वो अकेले जाके ही बनती हैं। हाँ क्योंकि हमने जगह जगह रुकना होता है। आप शूट कीजिए अपना। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये तो मतलब मैं वहाँ वीडियो बना रहा था, ये बोले जा रही है सॉरी अब मुझे अपनी ऑडियंस से बात करनी पड़ेगी, तो बोलती जा रही है, तो मैं वहाँ पे ऊपर जा रहा था, ये देखो मैं यहाँ पे ऊपर जा रहा था, तो ये कंटिन्यूसली बोलती जा रही है, तो जो एक ब्लॉगर करता है वो करना चाहिए, मैं नहीं बोलता तो ये अलग बात है, बट अभी भी 4 मिनट हो गए वीडियो बनाते हुए यही बोलती जा रही है, मैं नहीं बोल पाया तो इसलिए मैंने इनको बोला प्लीज अब आप 2 मिनट मुझे भी बोलने दीजिए अपनी ऑडियंस के साथ। तो अब मुझे एक बंदा मिल नहीं रहा था कोई वीडियो बनाने के लिए, तो अब मेरी फोटोज मेरी वीडियोस एक आदमी मिल जाएगी, अगर मैडम को कोई इतराज ना हो तो वो नो, मुझे अगर आप मेरी एक